इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मॉर्फो डिवाइस का इंस्टॉलेशन आपको कैसे करना है, जिसमें आपको पीएम किसान का ई केवाईसी 100% काम करे, आपका लाइट जले और पूरा, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आपको पीएम किसान के भी अलावा और भी किसी प्रकार का काम करते हैं तो आपको ऑल इन वन के तरह वो काम करेगा। और इस बात को मैं 110% बोलूं तो 500% मैं गारंटी देता हूं कि आपका डिवाइस का लाइट जरूर जलेगा। इसी के बारे में आपको बताने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करके आपको इसमें देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पे देख सकते हैं कि कैप्चर फॉर ई केवाईसी मॉर्फो डिवाइस लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, जो कि प्लग इन है, जो कि मॉर्फो डिवाइस है। यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। मॉर्फो का यहाँ पे मैं सेटअप करके दिखाऊंगा, लाइट जलाकर आपको दिखाऊंगा कि पीएम किसान में आप ई केवाईसी कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको मॉर्फो का जिस प्रकार कोई भी ड्राइवर था आपके जो कि कंप्यूटर में, तो उसको ऑन इंस्टॉल आपको करना होगा। आपने जहां पे इसका ड्राइवर डाले होंगे, कंट्रोल पैनल से आइए, जैसे भी आइए आप वहां पे जाकर, पहले यहां पे लिखा गया देख सकते हैं कि मॉर्फो का आरडी सर्विस और आपको मॉर्फो का जो कि यूएसबी ड्राइवर, तो इसको पहले ऑन इंस्टॉल करना है। इसको मैं सिलेक्ट किया क्लिक करके, और यहाँ पे लिखा है ऑन इंस्टॉल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यस बटन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे भी करिए, सी ड्राइव से मॉर्फो का जितना भी सेटअप है यहाँ पे जो कि आपको अनइंस्टॉल करना है, इसको डोंट मैं नोट करता हूँ, ओके बार ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन आता है एक और भी ड्राइवर का, तो मैं इस पर क्लिक करके और इसको भी यहाँ पे अनइंस्टॉल मैं करता हूँ। इसको ओके बटन आ जाता है, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे यस बटन में इस पर क्लिक करिए और इसको भी यहाँ पे पूर्ण रूप से अनइंस्टॉल इसको हो जाने दीजिए, जो कि यहाँ पे जो कि रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको मॉर्फो का किसी प्रकार का कोई ड्राइवर यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे ऐसे खत्म नहीं होगा। फिर से आपको क्या करना है, अपना जो कि ये डिस कंप्यूटर को खोलना है, यानी पीसी को खोलना है। फिर से आपको लोकल डिस जो लिखा हुआ है इस पर आइए, और यहाँ पे भी आपको फोल्डर दो बना हुआ है मॉर्फो का, इसको भी डिलीट करना है। शिफ्ट के साथ डिलीट करिए तो फाइनल आपको डिलीट होगा। अगर ये जो कि ये फोल्डर आपको डिलीट नहीं होता है तो उसको डबल क्लिक करके उस फोल्डर को ओपन करिए, तो अंदर वाला पार्ट को डिलीट करिए, उसके बाद जो कि बाहर वाला पार्ट को आप डिलीट करिएगा। अब यहाँ पे बारी आता है कि इंडोर प्लस आर को इसमें प्रेस करना है, और साथ में जो कि टेम्पोररी जो फाइल होता है उसको डिलीट करना है। तो पहले जो कि मैं यहाँ पे टेम्प जो फाइल है परसेंटेज वाला, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, इंटर करता हूँ, जो इसका टेम्प फाइल होगा कंट्रोल ले करना है और उसको यहाँ पे डिलीट करके आपको इंटर प्रेस करना है। इसमें मैक्सिमम का आदमी का जो कि कुछ ना पार्ट इसका रह सकता है, घरवाने की जरूरत नहीं है, आप जो कि जितना हो सके उतना आपको इसको डिलीट करना है। फिर से आपको इंडो और आर को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको टेम्पोररी फाइल को डिलीट करना है, तो आपको टेम्प जो लिखा हुआ है इस वाले पार्ट को रखिएगा, इंटर प्रेस करिएगा, जितना भी आपका डाटा होगा आ जाएगा, और शिफ्ट के साथ जो कि डिलीट बटन प्रेस करके आपको डिलीट करना है। यहाँ पे इनका पूरा डिलीट हो गया, आपका थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको इंडो के साथ आपको प्रेस करना है आर को, फिर आपको यहाँ पे जो फेच वाला जो कि फाइल है, और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये भी जो कि टेम्पोररी फाइल है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके कंट्रोल ले करना है, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट करना है और इंटर करना है। तो इस प्रकार काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके लिए अब आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम ओपन आपको ब्राउज करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है इसमें मॉर्फो आरडी। इस प्रकार से आप जैसे लिखेंगे इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो आपका फर्स्ट वाला लिंक आपको दिखाई देता है यहाँ पे आरडी सर्विस ऑनलाइन मॉर्फो वाला, इस पर क्लिक करना है। ये आपको जो है मॉर्फो का ऑफिशियल साइट है, जहां से आरडी जो कि सर्विस आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या यहीं से जो कि अपने डिवाइस को रिन्यूअल भी करते हैं या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो चेकआउट आप यहीं से करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया गया है और आपको यहाँ पे आ जाएगा विंडोज का, तो आपको बहुत लोग विंडोज जो कि HTTP का आपको इसमें सिलेक्ट करता है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूंगा कभी भी आपको आवश्यकता होगा तो विंडोज के साथ आपको लोकल होस्ट वाला ही डाउनलोड करने के लिए। चलिए मैं इसको डबल क्लिक करके इसको डाउनलोड मैं कर लेता हूँ, 9.2 MB का पार्ट है। यहाँ पे देखिए देखो डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर शो ओपन फोल्डर पर मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो कि मेरा आ चुका है। तो इसको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि RAR फाइल होता है, तो RAR फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट हेयर करिए, या आपको यहाँ पे लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट टू विंडोज जिस प्रकार करें, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी आपका है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यह सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एक बार जो कि मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू किया था, कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया तो मेरा जो कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे चला गया था, तो मैं दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये आपको ओपन हो जाएगा, और यही जो कि आपको सेटअप है यहाँ पे विंडोज वाला आरडी, इस पर HTTP वाले पर लोकल होस्ट वाले पर आपको क्लिक करना है।
और उस पर क्लिक करने के बाद आपको पूर्ण रूप से जो कि है इसको इंस्टॉलेशन आपको कर लेना है। इंस्टॉलेशन करने के दौरान आपका जो कि है डिवाइस से अपने जो कि पीसी से या आपको लैपटॉप से मॉर्फो डिवाइस को जो कि बाहर कर लेना है। ये आपको इंस्टॉल हो जाने दीजिए पूर्ण रूप से। और यहाँ पे जब पूर्ण रूप से आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहीं से भी जो कि रीस्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन रीस्टार्ट करना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ में अपना जो कि डेट एंड टाइम को जो कि आपको एक बार देख लेना है कि आपका डेट एंड टाइम किस प्रकार से है। आपको जिस प्रकार AMPM का सिस्टम है सेम टू सेम आपको नेट वाला सिस्टम लगाकर आपको अपडेट करके रखना है। अगर डेट एंड टाइम भी आपका सही तरीका से वर्क नहीं करेगा तो आपको मॉर्फो डिवाइस जो कि यहाँ पे काम नहीं करेगा। तब आपको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, उसके बाद अगले वाला जो कि प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो कि प्रोसीजर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मॉर्फो का ड्राइवर में डाल लिया है, जितना भी सेटिंग करना था हमने कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर फ्रॉम EKYC बाई मॉर्फो डिवाइस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लाइट जो कि जल चुका है, यही जो कि डिवाइस है जो कि इस प्रकार इसमें देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कस्टमर का मैं अपना अंगूठा इसमें रखवा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं कि अंगूठा रख दिया। और यहाँ पे देखते हैं कैप्चर जो कि सक्सेसफुली हो चुका है, मैं ओके बटन में मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबमिट का भी ऑप्शन आ गया। तो इस प्रकार जो कि आप चाहें तो अपने खुद से जो कि है मॉर्फो का ड्राइवर इंस्टॉल करके आप इसमें काम अपना कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी से ही आपका PM किसान का EKYC 100% आपका जो कि लाइट जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है और आपको काम भी करेगा। लेकिन और भी जो कि बहुत सारे जैसे PMJY पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको लाइट नहीं जलेगा, तो और भी जो कि एक्सटेंशन टाइप का कुछ काम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में क्रोम जो कि है फ्लैग्स आपको इसमें इनेबल करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे अलाउ जो कि इनवैलिड को सर्च करके आपको यहाँ पे इसको इनेबल करिएगा, तो बहुत जगहों पर जो कि है इनवैलिड वाला जो कि सिस्टम होता है तो जब इनेबल करिएगा तभी जो कि और में वर्क करेगा। लेकिन इसके लिए जो कि है PM किसान में इसका कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन और भी अलग तरीका से आप करेंगे तो आपको काम करेगा। उसके बाद आपको इसमें जो कि लोकल डिश आपको खोलना है सी ड्राइव, और यहाँ पे आपको क्या करना है जो मॉर्फो का इसमें जो लिखा हुआ है RD सर्विस इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपको आ जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो कि कम्युनिकेशन मोड जो कि आपको यहाँ पे 0 दिखाई देता है। बहुत लोग इसको इधर उधर करके भी कर रहे हैं तो अपना देख लीजिएगा कि आपका इसमें किस प्रकार है और आप में जो किस प्रकार से काम करता है। जब यहाँ पे आप एडिट करते हैं तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाकर इसको सेव भी जो कि आप इस प्रकार क्लिक करके आप इसमें कर सकते हैं, तो मेरा सही है, सही से आपको मेरा जो कि वर्क कर रहा है। जहां से मैंने RD सर्विस डाउनलोड किया है ऑन टाइम वो आपको ऑफिशियल है, और जिस प्रकार से कोई अपडेट आता है या आपको कई प्रकार से इनवैलिड का भी उसमें सिस्टम हो जाता है तो आपको दोबारा से भी वहीं से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद बहुत लोग का ये भी सिस्टम हो रहा है कि यहाँ पे क्या करता है, सर्विस पर क्लिक करके भी आदमी जा रहा है। तो यहाँ पे जो कि सर्विस जो डेस्कटॉप है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको टैप करके लिखना है इसमें मॉर्फो, तो आपको वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मॉर्फो का जो RD सर्विस दिया गया है आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है USB का, तो यहाँ पे रीस्टार्ट आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऑन टाइम पूरा जो कि डाटा को क्लीन करके आप इंस्टॉल करते हैं जो कि ऑनलाइन डाउनलोड करके जो मैंने आपको तरीका बताया है, तो आपको ये जो कि सारे चीज आपको करने की आवश्यकता नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपका सही से वर्क करेगा। केवल क्रोम ब्राउजर में जाकर फ्लैग आपको जो कि इनवैलिड क्लिक वाला आपको इनेबल करना होगा, जो कि वो अदर जो कि साइट पर काम करने के लिए वो अलाउ करता है। इसमें यही जो कि सबसे खास बात है, अगर किसी कंपनी का आप AEPS चलाते हैं, आज फॉर एग्जांपल आप DigiPay चलाएं या आपको स्पाइस मनी चलाएं, बैंकिर चलाएं, रफी पे कोई सा भी चलाते हैं, तो उसमें लोग क्या करता है, लोग अपना तरीका से अपने वेबसाइट पर एक ड्राइवर वहां से अपलोड करता है जो कि मॉर्फो के लिए है या मंत्रा के लिए, तो उसमें जो कि सही तरीका से वो काम करता है। लेकिन और भी काम में जो वो ड्राइवर कहीं पर काम नहीं करता है, आपका मॉर्फो का लाइट ही नहीं जलता है, जिस प्रकार अभी PM किसान के साथ आपको हो रहा है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि अपने साइट से जाकर डाउनलोड करके यहीं से जो कि आपको इंस्टॉल करना होगा तभी आपको 110% लाइट जलेगा, और जलेगा ही जलेगा। इस प्रकार जो कि मैंने आपको पूरा तरीके के साथ बताया है,
लोकल होस्ट आपको कैसे इनेबल करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन जो कि 01 का जो फंडा था वो भी मैंने आपको बता दिया है, और अभी भी आपका डिवाइस का लाइट नहीं जलता है तो 110% समझ लीजिए कि आपका जो कि कंप्यूटर को एक बार पीसी को या लैपटॉप को आप फॉर्मेट करिए और दोबारा से जो कि आप जिस प्रकार मैंने आपको बताया है आप इंस्टॉल करिए, आपका 110% लाइट जलेगा, सारा काम आपका होगा और पीएम किसान का PKYC जो कि आप कर सकते हैं। और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीका का अगर आपको प्रश्न है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। मैं उड़ा शर्मा फिर मुझे नया बुद्ध नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।